तो लो जी आ चुके हैं अब फाइनली उस हॉन्टेड टंकी के पास। इसके अंदर उतरेंगे भाई अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे खड़े थे आराम से, नीचे उतरना स्टार्ट ही किया था कि लाइट की बैटरी खत्म हो गई है। अरे वो तो बावड़ी कांड है। हाँ बोलो ना, उसका क्या बोलना। बहुत ही क्रीपी सी साउंड आ रही है यहाँ से, बहुत ही क्रीपी सा फील आ रहा है मुझे। सुपर नेचुरल एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिली है यहाँ तो। लो जी आ चुके हैं अब फाइनली उस हॉन्टेड टंकी के पास। और अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे भाई, अगर टाइटल और थंबनेल में डालेंगे तो? हॉन्टेड टैंक, वाटर टैंक। हाँ तो वाटर टैंक के पास आ चुके हैं भाई, बिग वाटर टैंक के पास। और ये देखो, अगर साफ सुथरा दिखाई ना दे रहा हो ना और एरिया का समझ ना आ रहा हो तो एक बार दिन वाली वीडियो चेक कर लेना, उसमें प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि कैसी लोकेशन है। और अंदर जाने से पहले एक बार स्टोरी बता देता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। असल में पहले के टाइम पे ना ये टंकी पूरी प्रॉपर थी, ठीक है। अब तो ये पूरी मतलब उजाड़ फुजाड़ हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई आता नहीं है। पहले के टाइम पे ये पूरी प्रॉपर थी, जब यहाँ पे काम भी करा जाता था ढंग से और साफ सफाई भी करते थे लोग आके। लेकिन फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, वो वहां से ना एक बार एक बंदे का पैर फिसल गया था जब वो कुछ काम करने गया था ऊपर, तो उसकी डेथ हो गई थी वहां पे। फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद में एक दूसरा बंदा था, उसकी भी सेम तरीके से डेथ हो गई। तो इसी तरीके से फिर ना यहाँ पे गांव वालों की अंदर ना मतलब ये अफवाह फैल गई थी कि भाई ये ठीक नहीं है जगह, यहाँ से बंदों की डेथ हो जाती है। और कुछ कुछ लोगों ने फिर उसमें ऐड ऑन कर दिया कि भाई सुपर नेचुरल एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिली है यहाँ, तो जो बंदे मरे उनकी आत्माएं भी हैं यहाँ और वो दिखती है रात को। तो हमने कहा रात को तो आना ही पड़ेगा। और रात में वो देखो ऊपर क्या है, चंदा मामा। चंदा मामा बड़ी दूर दिख रहे हैं, बड़ी दूर दिख रहे हैं। एक बार डे की वीडियो देख लेना, आपको ना एरिया का समझ में आ जाएगा कैसा एरिया है। बाकी तो अंदर चलते हैं और फील देखो कैसा फील आता है यहाँ पे। तो यहां से एंट्रेंस है अंदर जाने की, और ये एंट्रेंस भी ना पता नहीं बाद में तोड़ के बनाई है या जब बनाई थी तब से ही ऐसी है, बिल्कुल बाद में तोड़ के बनाई है बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि अंदर से और कोई रास्ता नहीं अंदर जाने का। आप आगे आओ, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ये देखो ये एंट्रेंस देख के पहली बात तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब जिसने टंकी बनवाई है उसने ऐसा डिजाइन वाला गेट बनवाया होगा, ठीक है। साफ साफ ऐसा लग रहा है कि किसी ने तोड़ ताड़ के बनाया। लेकिन फिर अंदर अगर देखोगे तो अंदर और कोई रास्ता भी नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि उसने पूरा प्रॉपर गेट बनवाया हो ये वाला, और अब ये टूट टूट के ना या तोड़ तोड़ के ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन बन गया हो, ये फिर भी पॉसिबल है। तो अब देखो भाई एक बार नीचे से देखो कितनी बड़ी है टंकी, और यहां से एक बार ऊपर की तरफ दिखा भाई। यहाँ पे भाई आज के टाइम पे भी ना रात को आते नहीं है बंदे बिल्कुल भी, सबको लगता है भाई सच्ची में भूत ही है यहाँ पे। अपने वो चलना पहले फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद में वो कच्ची वाली सीढ़ों से चलना टॉप फ्लोर पे, और उसके बाद में अंदर कूदना पानी के। आ जाओ अब। तो भाई फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं इसके, और ऐसी अफवाहें हैं कि मतलब कुछ बंदे कहते हैं कि इस वाले फ्लोर से गिरा था, कुछ बंदे कहते हैं ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था बंदा जिसका भूत घूमता है यहाँ पे। देखते हैं भाई कौन सा भूत दिखता है, आवाजें भी सुननी है अब तो। और भाई इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने का रास्ता ना बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है मेरे को। वो आपने दिन में देख ही लिया था कैसा रास्ता है। अभी इसको खतरनाक का पता नहीं है, अभी पांच सीढ़ियां चढ़ेगा तो इसको लगेगा सही है। अभी इस पे चढ़ा नहीं है, हम दोनों चढ़े थे। आ जाओ एक बार राउंड मार लेते हैं इसके चारों तरफ, और आप देखो भाई कितनी बड़ी टंकी है ये, मतलब नॉर्मली जो टंकियां होती है ना उनसे काफी बड़ी है ये।
नीचे का दिख रहा है क्या कुछ? Nope. जमीन भी नहीं दिख रही, देख रहे हो कितनी ऊपर आ गया हूँ। अब दिख रही है थोड़ी सी, दिखी थोड़ी सी, अब आइडिया लगा लो। ये जूम करने के बाद आपको दिखाई दिया, आप सोच लो कितनी ऊपर आए हम और क्यों आए हैं? क्योंकि चैनल टॉप पे है, ठीक है, इसलिए ऊपर ही ऊपर आते हम। भाई चुपचाप जा रहे हैं, किसी को कोई आवाज सुनाई दे तो बता जरूर देना, ठीक है? हवाओं के अलावा हवाएं बहुत तेज है। यहाँ से यार गिर गया होगा बंदा, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, क्योंकि देखना एक बार इधर की तरफ, ये वाला देखो एक बार, अभी बीच में नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर बंदा कुछ पेंटिंग कर रहा हो, वो पेंट कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, थोड़ा सा भी गीला हुआ उसका पैर फिसला हो तो भाई सीधा ही बंदा नीचे ही जाएगा। तो ये लो, ये सेफ्टी भी देख लो, ये सेफ्टी है नहीं की, पूरा हिल रहा पूरा वहां तक यार। बच के भाई साहब गिर गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूत बन गया ये गलत है। अगला मरा भी है, भूत भी बना दिया। फ्रंट पे आ गए भाई, राउंड तो ले लिया इसका, ठीक है। अब नीचे से बढ़िया ऊपर चलते हैं एक बार, क्योंकि ऊपर ना स्पेस काफी ज्यादा है, यहाँ ना चल सकते हैं ढंग से ना कुछ कर सकते हैं। ऊपर एक तो स्पेस ज्यादा है और दूसरा नीचे उतरना भी हमें उसके पानी के, तो भाई खतरनाक ही है ऊपर चढ़ना, देख लो कैसे जीने यार। मैं तो दिन में आया नहीं था, मैं तो अभी देख के कह रहा हूँ यार। भाई साहब ये नीचे से तो फिर भी ठीक है, ऊपर से जो चढ़ता है ना उसी को पता चलता है क्या हालत होती है। उतरने में तो मजा आता है। भाई दिन में जितना डर लगा था ना चढ़ते हुए, रात में उतना नहीं लगा। पानी तो कम, या तो थोड़ी सी आदत हो गई कि एक बार चढ़ लिया इसलिए कम डर लगा, और या अंधेरे में नीचे की धरती नहीं दिखाई दी इसलिए कम डर लगा। बाकी सबसे मेन चीज देख लो, या मेन चीज बाद में दिखाएंगे, पहले इस तरफ से एक राउंड ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए ऊपर से भी कैसी है ये। यहाँ पे भी साइड में तो सिस्टम वही है सेफ्टी का, ये दो रेलिंग लगा रखी है बस, सुबह चढ़े थे ना टापू पे। अरे भूत का है, आ जा। ओ भूत, ओए कहाँ छुप रहे हो लल्ला? यहाँ तो छुपने की भी जगह नहीं है। ए बाबू, यहाँ भूत आ जाओ भाई, आना हो तो किसी को। हवाएं ज्यादा खतरनाक हैं भूतों से, बाद में मत कहना, ठीक है? अभी तो आप लोगों के लिए खड़े हैं यहाँ पे, बाद में कहीं गांव वालों को डरा के चोड़े होते हो। बराबरी वालों से टक्कर लो लेनी है तो। लो भाई राउंड तो ले लिया है, अब ये देख लो मेन चीज। हेलो, ये वो पानी की टंकी, अंदर आपको दिख रहा होगा पानी भरा हुआ काफी गहरे तक, इसके अंदर उतरेंगे भाई अभी थोड़ी देर में, ठीक है? और इसकी भाई जो हाइट है ना
सिर्फ ये फर्स्ट फ्लोर से, ये 18 मीटर ठीक है, नीचे लिखा हुआ था 18 मीटर राइट है ये फर्स्ट फ्लोर से, मतलब यहाँ टॉप तक काउंट किया होगा उन्होंने, ये जो छत है ना यहाँ तक। और इसके अंदर 1 लाख लीटर तो हमने आइडिया लगाया था कि पानी आता होगा, लेकिन उससे ज्यादा ही आता होगा वैसे तो। 150 बाकी भाई अभी तोड़ना है यहाँ पे, देख लो भाई बिना सेफ्टी के वो भी डायरेक्ट, और अंदर भरा हुआ पानी फुल, और हमें आता भी नहीं है तैरना, किसी को नहीं आता, हमें तैरना भी नहीं आता, सबसे अच्छी बात ये है, सोने पे सुहाग है ये। चले क्या, रुक के चले, क्या पता अंदर छुप के बैठा हो भूत भाई। यहाँ जाने से पहले एक बार ऊपर चलते हैं यार। यहाँ से जो एरिया है ना वो आपको खाली खाली दिखाई देगा, क्योंकि जो बीच वाला साइड है ना वो ऊंचा बना रखा है, उसके साइड में जो गहरी साइड है ना वहां पे पानी भरा हुआ है। अब देख लो, अब ढंग से समझ में आएगा आपको, दिख रहा है? तो ये बीच वाला एरिया तो भाई ये तो पूरा सूखा पड़ा है, लेकिन जो साइड वाला है ना वो पूरा पानी से भरा पड़ा है, और वो जो सीढ़ी है वो साइड में लेके जाती है पानी के अंदर। तो इसलिए आज अपन देंगे भूतों को चुनौती। मतलब भाई ऐसे डायरेक्ट तो आते नहीं है, पर ये भी है कि भाई इसके अंदर डूब के नहीं मरा कोई, तो अगर हम ना भी जाए तब भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जाएंगे वो अलग बात है। वैसे अगर होता ना कि हाँ भाई इसके अंदर डूब के मरा है, तब तो गारंटेड भाई जाना ही था और पता लगाना ही था, लेकिन अभी अफवाह है कि भाई साहब नीचे गिरा था एक बंदा, और दूसरा बंदा फिर उसी तरीके से नीचे गिरा था, उनके भूत बताते हैं यहाँ पे। बाकी देख लेते हैं भाई, वो अभी टंकी के अंदर ही रहते हैं, मतलब इस एरिया में ही रहते हैं, तो हो सकता है रात को अंदर छुप जाते हो, तो इसलिए भाई अंदर उतरेंगे अब। चल भाई चल, चलो चलो उतरे, मार लाइट, मार भाई लाइट, मारो भाई, एक एक करके चल रहे हैं, टेंशन मत लो, जीने भी खतरनाक ही आ गए इसके, जाऊं कूद जाऊं? हाँ कूद गया तो फिर वापस नहीं निकला जाएगा, और अंदर देख लो चमकादड़ कादड़ हो तो कहीं मुंह पे ही आके चिपक जाए, जो भी हो लाइट दे, ऊपर से दिखा इसको, ऊपर से दिखा, लाइट दे दे, लाइट लाइट क्यों तरना, दिख तो रहा है अभी, नहीं दिख रहा था, नीचे कर देंगे नीचे, तो जा अभी तू ऊपर है इसलिए नहीं दिख रहा, नीचे जा तू थोड़ा सा फिर दिखता जाएगा, दिख रहा है ना अब? हाँ तो चलता जा फिर। ओबे इन जीनों पे तो जंग लग रहा पूरा। हाँ तो लगेगा ही जंग, तो ये फोन रख ले जेब में, ये लाइट कुछ दे नहीं रहा है, पकड़ और वो कर रहा है हल्की, दोनों हाथों से पकड़ के जा, अगर पैरों वाला टूट जाए तो हाथ से लटक तो जाएगा, भाई साहब हमारे संदेश भेजने वाले ने नीचे से संदेश दिया है कि पानी तो है लेकिन गहरा नहीं है, तो इसलिए अंदर ही कूदना पानी के, जूते खोल के आना, तो ठीक है भाई जूते खोल दिए और अब चल रहे हैं। आय हाय हाय गहरा बहुत है वैसे, अरे यार भाई तू जूते पहन के ही आई हो, ये चुभ रहे हैं बहुत ज्यादा, पानी देख लो भाई इतना है। तो ये देखो भाई यहाँ से ना सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने की, और वहाँ से पूरे पानी के अंदर उतर के फिर धीरे धीरे चल के यहाँ तक ऊपर तक आ गया है, और ऊपर से देखो जो हम ऊपर खड़े होके देख रहे थे ना ये वाला हिस्सा, इसके नीचे है ये टापू, और चारों तरफ है समुंदर ही समुंदर। यहाँ बैठ के कोई जगह भाई साहब यहाँ पे ना आवाज़ गूंज रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, देखो सुनाते हैं
एक्सप्लोरिंग इंडिया टोपे है देख रहा भाई, सच बोलने वाली वो है, तो सच बोल रही है भाई। ऊपर से नीचे उतरते उतरते ना जैकेट जुकेट सब मिट्टी में होगी, और इसकी देखो जंग ही जंग, मेरे भी हल्का फुल्का लगा है। तेरे बिल्कुल भी नहीं लगा, तू टेंशन मत ले। देखो भाई ऐसी जगह उतर गए हैं जहाँ हर किसी के बस की नहीं उतरना भाई, बस की नहीं है। स्पेशली जब जब इस चीज को हॉन्टेड बोला जाता है। हाँ हेलो भूते, हॉन्टेड ओ भूते आजा आजा आजा, अरे है क्या कोई, इको सुनो इको, यहाँ कोई नहीं है भाई, और यहाँ क्या कहीं कोई नहीं है, सब पागल बनाते हैं आपको, बस अंधविश्वास। यहाँ कोई नहीं है। अच्छा साउंड इफेक्ट दे रहा है पीछे से लगी। अभी हमने सोचा है कि ना ऐसे तो भूत आ नहीं रहा, नीचे चल के ओइजा बोर्ड खेला जाए, गाड़ी में पड़ा हुआ ओइजा बोर्ड ऊपर खेल लेते, लेकिन छत पे हवा इतनी तेज है कि ऊपर खेला नहीं जाएगा। और मेरा मन कर रहा है यहाँ पे ज्यादा ना बोलूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज गूंज रही होगी बहुत ज्यादा, और दूर तक जाएगी। दूर तक जाएगी वो तो कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, ये मेन दिक्कत है। बाकी बता देता हूँ नीचे खेलते हो ओइजा बोर्ड, थोड़ा सा ना डबल चैलेंज हो जाएगा इस वीडियो में। लेकिन भाई यहाँ ना ठंड नहीं है अंदर। अंदर तो आप बढ़िया अपना प्रोग्राम बिठा सकते हो, पानी भी साइड में ही है। चले फिर चले, चलो चलो भाई फर्स्ट फ्लोर पे तो आ गया, जो खतरनाक वाले काम थे ना वो तो कर लिए ऊपर। अब नीचे चलते हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बंदा गिरा था ना, यहाँ से नीचे सीधा वहां पे, वहां चल रहे हैं और वहां पे टाइम स्पेंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ओइजा बोर्ड खेलेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि ऊपर पानी के अंदर भी भाई इतना कुछ वो था नहीं स्टोरी के हिसाब से। और तो भाई अभी यहाँ पे खड़े थे आराम से, नीचे उतरना स्टार्ट ही किया था कि लाइट की बैटरी खत्म हो गई है, बिल्कुल डेड। और होगी यार ज्यादा बोलूंगा ना कुछ लोग भूत से लिंक कर देंगे इसको। हाँ। तो लाइट पकड़ा दे और तू ये पकड़ ले फ्लैश, ठीक है। ज्यादा बोलूंगा बंदे बोलेंगे कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिक के साथ छेड़छाड़ तभी होती है जब कोई सुपर नेचुरल पावर होती है, तो तुम रहने दो हमारे पास दूसरी बैटरी है दो और। तुमसे ना हो पाएगा भैया, दम है ना, तो वो दो भी खत्म करके दिखा दो, जाओ भाई आज के बाद ना हॉन्टेड प्लेस में जाना बंद कर देंगे। इससे बड़ी बात क्या बोली जाए। और अभी कम से कम भी ना डेढ़ से दो घंटे और स्पेंड करेंगे यहाँ पे। हाँ। इतने टाइम के अंदर भी अगर बंद कर देना भूत, बंद है फिर चैनल बंद है भाई गारंटेड, क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहले भी अक्सर हो चुका है कि एक बैटरी हमारी खराब हो जाती है हमेशा शूट करते करते। उस बैटरी के अंदर तो भूत नहीं, उस बैटरी के अंदर या तो भूत है या वो बैटरी है चाइनीज, दोनों। ओए खून के निशान, पेंट है। ओ भाई साहब जंग है जंग। अभी भाई ओ माय गॉड गाइस, ये तो बहुत फ्रीकी लग रहा मुझे। अगर भाई वो हॉरर होते ना वो फेक वाले, बहुत ही क्रीपी सी साउंड आ रही है यहाँ से, बहुत ही क्रीपी सा फील आ रहा है मुझे। पानी की साउंड आ रही है तो? पानी की साउंड तो आ रही है अभी तो नहीं आ रही। ओ माय गॉड गाइस मैं भूल गया था हम टंकी के पास है, यहाँ से पानी आ सकता है। कौन कौन है? वही 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 है, एक है डैश कश्यप, एक और है दिल्ली वाला। दिल्ली वाला कौन सा है? दिल्ली वाला वही बाला, बाला है टकलिया है टकलिया। कौन पता नहीं तुझे? अच्छा टकलिया ऊपर बोल। अच्छा अरे वो तो बावड़ी कांड है। हाँ बोलो ना उसका क्या बोलना। नाम
उसका नाम तुझे पता नहीं हमने रख रखा है। लो भैया नीचे आ चुके हैं, गाड़ी में चलते हैं, बैटरियां निकालते हैं, ओइजा बोर्ड निकालते हैं, फिर आते हैं यहाँ। आ जाइए। अभी भाई एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये व्लॉग ना काफी लंबा हो चुका है, तो इसकी बैटरी बूटरी तो भी डाल लेंगे, वो तो ठीक है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि ओइजा बोर्ड एक ऐसी चीज है जो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए उसके ऊपर, ऐसे एक दो मिनट में मजा नहीं आएगा ना आपको ना हमें। तो इसमें से एक बार ना छोड़ो, वो भी सेकंड में ही देखना, ये भी तुम्हारा सस्पेंस ही रह जाएगा कि भाई साहब ये लाइट चालू होती है कि नहीं होती। तो सेकंड में देखना हुई ना नहीं हुई। तो भाई फिलहाल की फीलिंग तो कुछ नहीं बताएंगे, अगले पार्ट में ही बताएंगे ओवरऑल कंक्लूजन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सबसे जरूरी बात है बाबू इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वो भी करना पड़ेगा, यूजर नेम लिखा ही है, फटाफट जाओ और कर लो। क्या लिखा है? एक्सप्लोरिंग इंडिया 1। क्यों है 1? क्योंकि नंबर 1 है ना। ठीक है, बाय बाय।